हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं आपको एक लेमैन में बताऊं ना, आपको भी पता है, एक डेफिनेशन ये होती है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है मेरे पास, यहाँ इक्वल टू भी अगर लगा दो, तो f ऑफ x1 यहाँ नहीं भी लगाओगे चलेगा, लेकिन अगर यहाँ लगाते को साथ में इक्वल टू आता है तो 100% ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, जो है स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आता, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दिस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्स बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी, सेम पैटर्न, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, x1 ग्रेटर देन x2 है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उल्टी हो गई, तो ये फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग। मैं आपको समझा रही हूं कैसे, ग्राफ में देखिए, मेरे पास जो है ये फंक्शन है, देखो ये x1 है, ये x2 है ना, यहां पर ये एफ ऑफ x1 है जिसको आप y बोलते हो, ये एफ ऑफ x2 है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो 100% अगर फंक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, बराबर भी आ जाए या ग्रेटर भी आ जाए, तो ये फंक्शन यानी ये ग्राफ, ये जो होता है हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीज, इंक्रीजिंग में बढ़ती है, बढ़ता जाएगा आगे, लेकिन डिक्रीजिंग में देखो, अगर मेरे पास ऐसे ग्राफ, ये x1 ये x2, क्लियर कट देखो, f ऑफ x1 इधर है, f ऑफ x2 इधर है, देखो वैल्यू कम हो गई ना, f ऑफ x1 जो है मेरे पास क्या है, ज्यादा है x2 से, तो यही था ना, x1 बड़ा है लेकिन f ऑफ x1 मेरे पास जो है, एक मिनट यहां पर देखिए, मैंने एक सेकंड एक सेकंड, यहां पर मैंने उल्टा ले लिया, ये देखिए ऐसे ले, तो 100% एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2, ये डिपेंड करता है, ये तो डेफिनेशन मैंने मैच कर दिया आपके लिए, यहाँ x2 बड़ा है ना x1, लेकिन एफ ऑफ x1 क्या हो गया मेरे पास जो है, यहां पर एफ ऑफ, मैं डेफिनेशन ही दोबारा आपके लिए लिख दे, यहां पर देखिए बेटा, x2 ग्रेटर देन जो है वो x1 है, तो एफ ऑफ x1 जो है वो बड़ा है एफ ऑफ x2 के, डेफिनेशन वो सही थी, सिर्फ आपको यहां पर मैच करने के लिए मैंने ये बताया, इज इट क्लियर, चेंज नेचर चेंज हो जाती है वाई, क्लियर, तो 100% जब नेचर चेंज होती है ना तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बताएं, जब आपकी नेचर छोटे होते से, जब आप टीन एज में आते हो, नेचर चेंज होती है, तो मम्मा हर पॉइंट पे आपको टोकते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो टोका ही जा रहा है, चेंज हो गया ना, ग्रेटर से इधर x2 पे बड़ा है, इधर x1 पे बड़ा है फंक्शन की, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो इंक्रीज ही कर रहा है यहां से यहां तक, या और भी इंक्रीज कर दूं आगे यहां तक, इसकी नेचर डिक्रीजिंग में जा रही है, ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है जो इंक्रीजिंग में ना हो डिक्रीजिंग में ना हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। उसकी ग्राफ कैसे बन सकती है, मान लीजिए ऐसे मेरे पास यहां ऐसे आ गई, आधे में इंक्रीज फिर डिक्रीज, मैं यहां तक देखती तो ये डिक्रीज होता, मैं यहां तक देखती तो ये मेरे पास ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, लेकिन अगर मैं पूरे इंटरवल में देखूं, आधे में इंक्रीज आधे में डिक्रीज, तो दैट मींस ये कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन, ये पता होना बहुत जरूरी, ठीक है। फिर मैंने ये इंक्रीजिंग की बात की, मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात की, अगर यहां मैं इक्वल टू ना लगाऊं तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब इक्वल टू साथ में नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मेरे पास जो है बीच वाले पॉइंट्स तो कभी नहीं आते किसी के साथ भी,
जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करते हो, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हो, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना उनके साथ कभी भी क्लोज्ड नहीं आता एक फंडा, तो ये याद कर लीजिए, कभी भी नहीं आता। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज जब आपको दी है तो वो कंसिडर करनी है, अगर नहीं दी तो नहीं कंसिडर कर कोई भी क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके जी। अब हम जो है डेफिनेशंस मैं सेंड कर दूंगी, मैं सिर्फ बोल देती हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, मैक्सिमम हम टाइम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर पहली डेफिनेशन जो दी हुई है, अगर एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है किसी भी इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है, देन एफ इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल इफ एंड ओनली इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू, इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। डिक्रीजिंग का उल्टा करके उन्होंने डेफिनेशन दी है। डायग्राम मैं बार बार कह रही हूँ, आपको कोई भी डायग्राम बन के आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। अच्छा, ये डायग्राम बना हुआ है लेकिन वो क्या करें, यहां मान लीजिए 1 2 3, आपसे पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज इन द इंटरवल 1 2 2, 1 2 2 में इंक्रीजिंग, मतलब ये नहीं सोचना कि मैम ने तो ये इंटरवल एक पर्टिकुलर पूछ लिया ना, वहां नेचर आपने बता। ओके बेटा, क्लियर, ये बात सबको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है मोनोटोनिक फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं मोनोटोनिक के, ऐसे ग्राफ बना दिया जाए, कैसे भी बता दिया जाए, रहना उसने आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग, तो वो हमेशा मोनोटोनिक फंक्शन होता है। एक पॉइंट नोट कीजिए, राइट डाउन द पॉइंट, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी मोनोटोनिक, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी मोनोटोनिक। हाँ जी, मोनोटोनिक में 100% है, इंक्रीजिंग भी आ गया डिक्रीजिंग भी आ गया, तो आपसे अगर बेटा नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पूछे तो 100% एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, ये बुक में भी दी हुई है और हमें नहीं पता, हम ये रूल यूज करते थे ना, हम कहते थे ना इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, है ना, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करते थे ना, बट क्योंकि हमें एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। ओके, अब बेटा प्रूफ और कैसे कर सकती हूँ, ये लीजिए, ये कोई फंक्शन है, ये देखिए दिस इज अ फंक्शन, मेरे पास हो गए, मैंने इतने में ले लिया 100%, मैं इसका अगर ये लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, चाहे मैं इस इंटरवल में ले लूं यहां से यहां तक, देखो स्लोप इसकी इंक्रीज हो रही है ना, तो 100% एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्लोप मतलब डेरिवेटिव ना। लेकिन अगर मैं डिक्रीजिंग का बनाऊं, मेरे पास हो गए ये लीजिए ले लूं, स्लोप डिक्रीज होगी ना, पहले हाइट बढ़ी थी, यहां पर ये कम हो गई ना, डिक्रीज हो रही है मेरे पास, तो क्या होगा, डेरिवेटिव लेस देन जीरो। बाहर मत देखो समय अंक, लेट देम बेटा, एक पॉइंट बताया मेरा भूल गए, नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी बेटा, मैं फिर बता रही हूं, देखो ये हाइट छोटी थी, ये हाइट बड़ी हुई, यानी स्लोप इंक्रीज हो रही है, है ना, यहां पर देखो ये हाइट छोटी है बड़ी है, ये हाइट छोटी होगी, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, तो स्लोप क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन वो इंक्रीजिंग, तो ये 100% क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो। मैंने ये हाइट की क्यों बात की, आपको याद है कि स्लोप हम दो पॉइंट्स में जब हम निकालते थे वो y2 - y1 over x2 - x1 भी निकालते थे कि नहीं निकाल, ये मुझे पता है कि हम आगे को बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा, यानी डिपेंड किस पे रह गया, सिर्फ हाइट पे ही तो रह गया,
तो अगर वाई टू छोटी मेरे पास है, वाई वन बड़ी है मेरे पास यहाँ पर, तो अपने आप उसके अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा कि ठीक है ना, तो ये नेगेटिव होगा इस केस में, वो पॉजिटिव होगी, तो इसीलिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब ही क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, वो टेंजेंट, वो स्लोप, सब इन आपस में इंटर रिलेटेड। समझ आई ये बात? क्लियर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पता चल गया। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अब बेटा एक और बात, जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं ना, उसके लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना और डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब उसके ग्राफ में क्या आ गई, ब्रेकेज आ गई। अब ब्रेकेज आ गई तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक नहीं कर सकती। तो यहां पर 100% है, थ्योरम है हमारी एनसीईआरटी में कि अगर एफ जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेकिन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, तो बेटा अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन मेरे पास या इक्वल टू, साथ में ले लेते हैं जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो तभी हम कहते हैं देन एफ इज इंक्रीजिंग इन मेरे पास जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेकिन मेरे पास अगर एफ डैश एक्स, बाकी सब कुछ सेम, एफ डैश एक्स अकेला ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो बेटा देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड आ जाता है, बस इक्वल टू हट गया तो वर्ड स्ट्रिक्टनेस आ गया, रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट मेरे पास जो है इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। पता चला बेटा? अब क्वेश्चन कैसे, अगर मैं इसको मोल्ड करूं एमसीक्यू टाइप में, क्वेश्चन कैसे डालूं? गिवन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशियबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक मैं लिख दूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, मैं ये लिखू लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग करके मैं यहां ओपन डाल दू, अगले में मैं क्लोज डाल दू, अगले में इंक्रीजिंग की जगह मैं डिक्रीजिंग लिख दू, उसके भी ओपन और क्लोज के दो ऑप्शन, चार ऑप्शन होगी, तो आपने देखना। ये भी हो सकता है मैं ये एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू पहले दे दू, फिर पूछू इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। जिस बच्चे को डेफिनेशन नहीं पता होगी वो नहीं कर पाए, सबको पता चल गया बेटा? चलिए ऐसा ही डिक्रीजिंग का है, मुझे लगता है डिक्रीजिंग का बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम आना है, सिर्फ यहाँ क्या आना है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, अकेला लेस होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बेटा नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने सारा कुछ आपको डेफिनेशंस बता दी, इसके रिलेटेड थ्योरम्स बता दी, अब मैं क्वेश्चंस करवाने लगी हूं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। क्वेश्चन के लिए बेटा मैं बार बार बता दूं, सबसे पहले अगर इंटरवल निकालना है, कुछ भी करना है, डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वहां से क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद वेवी कर्व मेथड इजीएस्ट होता है, वेवी कर्व मेथड। अब मैं पहले वो बताऊं आपको, फिर आपको आगे चलूंगी। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, मान लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये तीन पॉइंट्स निकले है ना, कोई भी वैल्यू, मान लो किसी की वैल्यू वन है, किसी की माइनस वन है, किसी की टू है, आपने नंबर लाइन पे ये ड्रॉ कर लिया, पर चलना सीक्वेंस वाइज है, जैसे जहां नंबर लाइन पे आता है, मान लो माइनस वन लेफ्ट में आता है तो लेफ्ट पे है ना, फिर जीरो फिर वन, जैसे भी आ। अब बेटा जो गलती बच्चे मैक्सिमम करते हैं,
आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले, मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रही हूं, आपके पास एक्स माइनस एक्स वन था, एक्स माइनस एक्स टू था, एक्स माइनस एक्स थ्री था, आपने यहां कोई नेगेटिव नहीं लिया कॉमन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है। ऐसे जहां प्लस है वो इंक्रीजिंग इंटरवल है, जहां पर माइनस है वो डिक्रीजिंग इंटरवल। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्टैंडर्ड में फॉर्म करने के लिए आपने नेगेटिव कॉमन लिया किसी पे, यहां पर टू माइनस एक्स भी तो हो सकता है ना, तो आपने नेगेटिव क्या लिया कॉमन लिया उसको एक्स माइनस टू बनाने के लिए, तो हमेशा स्टार्ट किससे करना है, नेगेटिव से। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ा, आपके बाहर यहां नेगेटिव है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद नेगेटिव, चलना ऑल्टरनेटिव साइन ही रहेगा। बात पता चल गई? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई हो जाता है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कैसे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई और फंक्शन है लॉग वगैरह तो प्रॉब्लम आती है, तो हमें सोचना ही। हाँ जी बेटा, तो ये बात समझ आ गई सबको कि कैसे, मैं आपको बता रही हूँ बाकी क्वेश्चन पे ये जो नॉर्मली रूल चलता है ना वो पॉलिनोमियल पे चलता है, 100% पॉलिनोमियल पे चलता है, तो बाकी हमें देखना पड़ता है। अब किसी के फंक्शन के अंदर ई पावर एक्स आ गया तो उसमें ये रूल नहीं ना चलेगा, तो उसमें हमें देखना ही पड़ता है, बट क्रिटिकल पॉइंट जरूर निकालना और आपको पता चल जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अभी हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले जो है मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 7+x माइनस ई पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ऑप्शंस दी हुई हैं 1 to infinity, माइनस इंफिनिटी टू 1, 0 to infinity, माइनस इंफिनिटी टू 0। हाँ जी बेटा, क्या करेंगे अब, मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - e power x आया बेटा। अब इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो जब मैंने इक्वल टू 0 पुट किया मेरे पास जो है, अच्छा मैं एक और यहाँ पर हम सोच सकते हैं, e की पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है और e की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है पता, 2 point something है ना, तो मतलब यहां से मुझे थोड़ी बहुत ही जजमेंट भी हो सकती है, बट हम प्रॉपर वो करेंगे। चलिए इक्वल टू 0, e पावर एक्स इक्वल टू 1, ये 1 कब हो सकता है जब x की पावर कितनी हो, 0, मतलब x की वैल्यू, यानी x मेरे पास 0 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0 आ गया, यही आया ना, ये बात सबको समझ आई। अब मैंने देखना है कि मेरे पास हो गए पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे, यहां पर अब वो वेवी कर्व मेथड मत आप चलना प्लीज, वेवी कर्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ना, हमें खुद देखना है। अब इसके लिए बेस्ट तरीका पता क्या होता है, आप इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू पुट करके चेक करो, है ना, कि कहाँ पॉजिटिव आता है कहाँ नेगेटिव आता है। अभी आपको समझने में टाइम लग रहा है पर जब खुद करोगे तो फटाफट हो जाता है। 0 से नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, जब आप नेगेटिव पुट करोगे, मान लो मैंने -1 पुट किया सपोज, तो ये 1 - 1/e हो गया, एलसीएम लोगे e-1 ये पॉजिटिव ही आएगा ना, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि इधर पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, और मुझे पता था यहाँ नेगेटिव क्यों आना क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ये नेगेटिव है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा ना, पर वो चीज पॉलिनोमियल में हम बोलते हैं, यहाँ आप रफली वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। आप पता चला इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दैट मींस मुझे क्या बताना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो क्या आएगा, -∞ टू 0, कौन सी ऑप्शन आएगी, 4,
समझ आई बेटा सबको? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? दमन सुना नहीं बेटा? चले बेटा आगे। चलो अब आप खुद निकालो, मैं नहीं कुछ बताऊंगी, आपको रूल बताया, यू टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए एफ ऑफ एक्स मेरे पास होंगे, वेट, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइंड द फंक्शन, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फटाफट करो, टेक योर टाइम। जिसको नहीं आता बेटा प्लीज आस्क मी, रेज योर हैंड एंड आस्क मी प्लीज, जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज बेटा आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यू डू योर सेल्फ, आई एम डूइंग इट। हाँ जी बिल्कुल, माइनस इनफिनिटी, नो डी नहीं है बेटा, हाँ बी, बिल्कुल बी, बिल्कुल। देखो मेरा भी वही बना है, माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू और उसके बाद वन टू इनफिनिटी, बिल्कुल जी, ओके बेटा। अब ना कई बार ना बुक्स में मिस प्रिंटिंग होती है, अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ क्लोज्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रही हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स में हमेशा ओपन होता है, लेकिन अब उसने दिया है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रही है, तो हमें यही टिक करना पड़ेगा, बट एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा, बोर्ड के पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होता, ओके बेटा। और एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वहां अगर पहले 16 में से आपने मान लीजिए 12 करने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ वही 12 करना जिसपे आप 100% ट्रू हो, आप पहले 12 में मतलब बाकी मत अटेम्प्ट करो, छोड़ दो, बट वो मत करना कि आपको मान लो कि 15th और 16th क्वेश्चन 100% पता है कि वो राइट है और उसकी जगह पे आप आगे भी कर रहे, तो उन्होंने वो चेक ही नहीं करना आपका, वो चेक नहीं करेगा, तो इसीलिए बार बार कह रही हूं कि ये मत करना कि सारे के सारे फिल कराओगे तो आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसने पहले वो अटेम्प्ट चेक करनी है, पहले 12 क्वेश्चन या 14 जितने भी हमें पहले सेक्शन में कहा है, जितने आपको अटेम्प्ट करने को कहा, बाकी पीछे वाले गलत हो जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन आगे वाले गलत हो गए तो वो प्रॉब्लम आपके आपके मार्क्स ही कटेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई कनु बाबू, सबको क्लियर? चलो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, और कोई भी बुक फॉलो कर रही हो ना बेटा, मिस्टेक्स हर बुक में आपको आंसर्स में मिलेंगी, प्लीज आप अपने माइंड को ओपन करके जरा ध्यान से उसको फॉलो करना। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, जल्दी बताइए बेटा, 0 to 2, 2 to infinity माइनस इन्फिनिटी टू 0, 2 to infinity, जल्दी, डी ऑप्शन नन दी हुई है यहां पर, मैं नहीं करूंगी, ट्राई दमन, ट्राई टेक डेरिवेटिव, जल्दी करो,
जल्दी बेटा। हरिया बी फास्ट ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज पार्टिसिपेट। कशिश डेरिवेटिव हो गया बेटा? नो, लेट अस चेक। हाँ जी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव दिस आया प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव इज 2x। हाँ जी, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले ले, एक्स भी कॉमन ले ले, माइनस एक्स और यहां पर क्या बचेगा प्लस टू। ठीक है जी। हाँ जी, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है बेटा मेरे पास, एक जीरो और एक टू। ओके, ई पावर एक्स ने तो बेटा पॉजिटिव ही रहना है, चाहे ई पावर माइनस एक्स है चाहे ई पावर एक्स है, क्योंकि ई की वैल्यू मैं आगे भी कह रही टू पॉइंट समथिंग होती है जो भी है, तो वो चाहे पावर नेगेटिव है चाहे रहना तो उसने क्या है हमेशा पॉजिटिव है। रह क्या गया हमारे पास, जीरो और टू। अब देखो मेरे पास जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए, एक्स माइनस टू बनाने के लिए, मैं यहाँ नेगेटिव कॉमन, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस टू, और मैंने नेगेटिव क्या लिया कॉमन, तो स्टार्ट किससे करना है, नेगेटिव से। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें इंक्रीजिंग वाला चाहिए, पॉजिटिव किस में आ रहा है जीरो टू टू। ओके, आना ओपन चाहिए, इन्होंने क्लोज दिया हुआ है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। एक्चुअली वो पता क्यों दे देता है, क्योंकि उसने इंटरवल को चेक करता है, तो वो क्लोज दे देता है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये क्रिटिकल पॉइंट बीच में आते हैं तो हम इसको ना तो इंक्रीजिंग में लेते हैं ना डिक्रीजिंग में लेते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा ओपन आना चाहिए। अब बुक्स में गलतियां हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा आंसर तो उसके पास है ना। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए। अब देखिए द फंक्शन f of x, the function f of x that is tan x minus x always increases b, always decreases c, remains constant, sometimes increasing sometimes decreasing। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, कीजिए जरा डेरिवेटिव। हाँ जी, secant square x minus one, है ना? अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट लगा के भी करना है तो इक्वल टू जीरो, secant square x वन और secant x की वैल्यू मेरे पास हो गए वो, मतलब वैसे मैं आपको बता दूं इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने इंटरवल नहीं निकालना, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन टू वन में अगर होती स्क्वायर है, रहनी क्या है पॉजिटिव, तो रहना तो मेरे पास जो है वो वन जीरो आ जाएगा या मेरे पास उसके बीच मतलब उससे कम होगा, तो हमेशा क्या रहेगा हमारे पास ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द मोर क्वेश्चंस बट टेंजेंट नॉर्मल के साथ। ठीक है, फिर मैं इकट्ठे क्वेश्चंस डालूंगी असाइनमेंट में।